हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गुड वाइब्स के हॉल। सो मेरे पास यहाँ पे पूरा गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स है जो मैंने रिसेंटली पर्पल से रिसीव हुआ है मुझे, तो मैं आज आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप लोगों को गुड वाइब्स के बारे में पता नहीं है तो गुड वाइब्स एक पर्पल का एक्सक्लूसिव ब्रांड है जो क्रुएल्टी फ्री है एंड जिसके प्रोडक्ट्स नॉर्मली सिलिकन, SLS एंड पैराबिन फ्री होता है और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं। सो या इस वीडियो में मैं आपके साथ एक के बाद एक प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ और उन सब प्रोडक्ट्स को एक महीने यूज़ करने के बाद फिर मैं उन लोगों की डिटेल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट विच आई एम गोइंग टू शेयर इज ये है गुड वाइब्स के कस्टर ऑयल एंड ये 100% प्योर है, कैरियर ऑयल है, कोल्ड प्रेस्ड है एंड ये 200 ml का पैकेट है। इसका पैकेजिंग बहुत ही अच्छा है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है बेनिफिट्स सूद्स द स्काल्प एंड हेल्प्स प्रिवेंट डैंड्रफ, रिमूव्स मेकअप एंड ग्राइम इफेक्टिवली फ्रॉम स्किन, मेक स्किन स्मूथ एंड सॉफ्ट। सो ये जनरली हमारे स्किन के लिए और हमारे हेयर के लिए कैरियर ऑयल बहुत ही अच्छा होता है। वी कैन यूज़ इट फॉर आवर नेल्स टू एंड आईब्रोज और आई लैशेज को भी इंक्रीज करने के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए वी कैन यूज़ कस्टर्ड ऑयल। सो इट इज़ अ ऑलराउंडर प्रोडक्ट एंड वी कैन यूज़ इट, इट हैज़ वर्सटाइल यूज़। सो या दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट गुड वाइब्स का कैरियर ऑयल है एंड आई डोंट नो कि ये मेरे लिए कितना काम करेगा बिकॉज मैंने इसको एक या दो बार ही यूज़ किया है एंड बहुत ही जल्द लाइक आई एम गोइंग टू यूज़ इट फॉर 1 month एंड बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के साथ इसका डिटेल रिव्यू शेयर भी करूँगी। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ गुड वाइब्स का एक्टिव चारकोल डीप क्लिनजिंग फेस वॉश। सो ये 120 ml का है, यहाँ पर लिखा हुआ है नो पैराबिन्स, क्रुएल्टी फ्री एंड इसका इन्ग्रीडियंट्स भी बहुत ही लाइक नेचुरल, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों से बनाया गया है एंड सो दिस इज़ द पैकेजिंग। आपको दिख रहा होगा कि ये खुला हुआ है। सो मैंने इसको यूज़ किया है, कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ मैं इसको एंड इट्स रिटन कि एफिशिएंट एट ड्रॉइंग आउट इम्प्योरिटीज, डर्ट एंड बैक्टीरिया फ्रॉम द स्किन, एक्टिवेटेड चारकोल अनलॉक्स पोर्स एंड डीप क्लींस द स्किन एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज गुड वाइब्स के पोमीग्रेनेट ग्लो टोनर। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये भी 120 ml का है, नो अल्कोहल, नो पैराबिन्स, नो सल्फेट्स एंड क्रुएल्टी फ्री एंड पोमोग्रेनेट बिकॉज वेल पोमोग्रेनेट इट्स रिटन हियर, इन्फ्यूज्ड विद पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट्स दैट रिमूव्ड मेकअप एंड इम्प्योरिटीज फॉर ए क्लीन क्लियर स्किन। द नेक्स्ट थिंग इज एलोवेरा जेल, इट्स गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल। ये 50 ग्राम का है, नो पैराबिन, नो सल्फेट्स, क्रुएल्टी फ्री अगेन एंड ये जेल फॉर्म, ये बिल्कुल, लेट मी शो यू, ये बिल्कुल क्लियर जेल के फॉर्म पे आता है, कोई कलर एडेड नहीं है इस पे विच इज़ ग्रेट एंड इसका की इंग्रेडिएंट्स है प्यूरिफाइड वाटर, कार्बोमर, ग्लिसरीन, डायसोडियम। ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया है, मैं इसको 2-3 दिन से यूज़ कर रही हूँ और इट फील्स सो गुड इन योर स्किन। आप इसको एज ए प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो। सो इट इज़ अ लाइक इट हैज़ ऑल्सो मल्टीपर्पज़ यूज़ एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज रास्पबेरी एंड पेपरमिंट रिफ्रेशिंग फेस मास्क। ये भी 50 ग्राम का है, नो पैराबिन, नो सल्फेट एंड क्रुएल्टी फ्री, treats the skin with freshness and raspberry and heals it with goodness of peppermint. The mask bring back much needed bounces on the face. So the next product is also a face mask. ये activated charcoal face deep cleansing face mask है, इसका भी 50 ग्राम net volume है, no paraben, no sulfate, cruelty free and no mineral oil, so which is great and इसका price है 225 rupees और इसको भी मैंने 2-3 बार use किया है, so इसका भी डिटेल रिव्यू मैं बाद में बोलूँगी। सो गाइस नेक्स्ट इज दिस, ये एक ट्रैवल साइज प्रोडक्ट है और ये तीनों सेम ही है। ये रास्पबेरी एंड पेपरमिंट ब्राइटनिंग फेस स्क्रब है, नेट वेट है 10 ग्राम एंड नो पैराबिन, नो सल्फेट, क्रुएल्टी फ्री और इसका प्राइस है 50 रुपीज एंड या सो ये तीन सेम ही चीज़ें हैं। द नेक्स्ट इज
गुड वाइब्स की सिनेमन एसेंशियल ऑयल, ये 10 ml का प्रोडक्ट है और टाइटन्स एंड प्योरीफाइज स्किन, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एक्ने, स्मूथ्स इरिटेशन, क्लीन स्कल. सो जनरली एसेंशियल ऑयल इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर स्किन एंड हेयर, वेरी यूजफुल टू आवर स्किन एंड हेयर, और सिनेमन तो और भी ज़्यादा यूजफुल होते हैं. सो आपको एक चीज़ ख्याल रखना है एसेंशियल ऑयल यूज़ करने के टाइम पे, डोंट अप्लाई डायरेक्टली ऑन योर स्किन और ऑन योर स्कल. इसको कोई भी कैरियर ऑयल के साथ मिक्स करके आपको लगाना होता है, बिकॉज आप अगर डायरेक्टली इसको अप्लाई करेंगे अपने स्किन पे या फिर स्कल पे, सो आपको बहुत ही बर्निंग सेंसेशन होने हो सकता है. सो डोंट एवर यूज इट डायरेक्टली ऑन योर स्किन और ऑन योर स्कल, ऑलवेज मिक्स इट विथ सम कैरियर ऑयल एंड देन यूज इट. और सिनेमन है, सो सिनेमन और भी ज़्यादा आपको इसको खोल के पता चल जाएगा, क्योंकि इसका स्मेल बहुत ही स्ट्रांग है. सो डोंट एवर यूज़ इट डायरेक्टली ऑन योर स्किन और ऑन योर स्कल. सो दिस इज़ हाउ द प्रोडक्ट लुक्स. ये बहुत ही पैकेजिंग इसका बहुत ही सुंदर है. ये ग्लास की बॉटल है आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. और इसका प्राइस है 155 rupees. एसेंशियल ऑयल एज यू गैस नो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो 10 ml के लिए इसका प्राइस है 155 rupees. सो इसको आपको बॉटल पैकेट से निकालते ही आपको पता चल जाएगा कि ये सिनेमन का है, बिकॉज बहुत स्ट्रांग फ्रेग्रेंस आती है इसका. सो या नेक्स्ट थिंग इज दिस रोजीफ रेडियंट ग्लो फेस सीरम. इसका भी वॉल्यूम 10 ml का है. ये नो पैराबिन, क्रुएल्टी फ्री है, एंड बेनिफिट्स पे लिखा हुआ है ए वन ऑफ अ काइंड फेस सीरम दैट मेंटेन्स स्किन इलास्टिसिटी एंड स्मूथनेस, इन्फ्यूज विद रोजहिप एक्सट्रैक्ट एंड ब्राइटन अनइवन स्किन टोन फॉर ए ग्लोइंग कम्प्लेक्शन. सो या दिस इज हाउ इट लुक्स. इसका भी पैकेजिंग बहुत सुंदर है, और ये भी शायद ग्लास का ही बॉटल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो इसका मैंने बहुत सारे रिकमेंडेशन देखे थे, बहुत सारे रिव्यूज देखे थे, बहुत सारे लोगों को ये बहुत पसंद आया है. सो आई एम नॉट श्योर ये मेरे लिए कितना वर्क करेगा, बट या लेट्स सी क्या होता है. सो दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट. सो या ये था छोटा सा ये गुड वाइब्स के हॉल, एंड मुझे बहुत सारे रिकमेंडेशन मिले थे इसका, और बहुत दिनों से मुझे मेरा मन था इसको यूज़ करने का, इस पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट्स को यूज़ करने का, बिकॉज मैंने बहुत सुना है इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में. सो या दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड मैं बहुत ही जल्द इनको यूज़ कर रही हूँ अभी, और बहुत ही जल्द इनका एक छोटा सा रिव्यू वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, शायद यूट्यूब पे हो या फिर इंस्टाग्राम पे. छोटा छोटा करके रिव्यू वीडियोस मैं पोस्ट करती रहूँगी, तो मेक श्योर कि मेरी इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो करें, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. बहुत ही जल्द आप लोगों से मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.